है रशिया वापसी। और मेरी मम्मी बैठी है और ये मेरा भाई शुभम। मम्मी लोग चले गए, इमोशनल मोमेंट। वापस रशिया तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल टाइप का मूवमेंट हो जाता है। और गेट नंबर 15 से मेरी एंट्री है। और इस बार का मिल उतना खास नहीं मिला है, बट ठीक है। आ जाओ भाई, मेरे को निकलना पड़ेगा। टर्मिनल बी मतलब मेरी डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए मैंने अपना चेक इन वगैरह करवा लिया है। काफी ठंड है यार यहाँ पे, बाहर निकलती सबूत। मैक्स मैक्स ये रशियन सोल्जर है। थैंक यू वेरी मच, स्पेसिवा आल्सो। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी एयरपोर्ट। यहीं से जर्नी स्टार्ट करी थी घर जाने की और यहीं पे आके खत्म हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज मेरी हो रही है रशिया वापसी और मैं अभी हूँ जबलपुर रेलवे स्टेशन में और मैं ट्रेन के अंदर आ चुका हूँ। मैं जब घर से निकला यार उस टाइम पे ना एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लगेज वगैरह था ना, उस टाइम मैं ब्लॉग कर नहीं पाया। तो अभी मैं ट्रेन के अंदर से मैंने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है और ये है जबलपुर का रेलवे स्टेशन। गूगला जी अगर देख रहे होंगे तो उनको मालूम होगा कि ये जबलपुर का रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म नंबर 6 है। अभी निकल रहे हैं और मेरे को ड्रॉप करने के मेरे भाई और मेरी मम्मी लोग आए हुए हैं। तो मेरा भाई बैठा है। ये मेरी मम्मी बैठी है और ये मेरा भाई शुभम और ये मेरा भाई अमन और वो मेरा बड़ा भाई सुहेल भैया और एक भाई अभी उधर बैठा हुआ था, ये पीछे आ गया आंसू। तो अभी हमारी जबलपुर से ट्रेन है दिल्ली के लिए और बस अभी शाम के 6:10 में ट्रेन छूट जाएगी। तो बस अभी मम्मी लोग मेरे को सी ऑफ करने के लिए आए थे, बस ये लोग अभी निकलेंगे, फिर बाकी की जर्नी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। बाय। मम्मी लोग चले गए, इमोशनल मोमेंट। ठीक है, ड्यूटी फ्री वाले एरिया में और वो रहा ड्यूटी फ्री वाला एरिया। तो जहाँ चल रहे हैं यार उधर का ब्लॉग मैं बना नहीं पाया एक्चुअली, मैं लगे थे बहुत हेक्टिक हो गया था यार, मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ इस वजह से। बाकी यार अभी चलते हैं, बस बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है, बोर्ड करने के बाद फिर नेम एंट्री लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं यार इंडिया को बाहर बोलते हैं। और क्या, और ये रहा दिल्ली का ड्यूटी फ्री और ये रहा मेरा बोर्डिंग पास वगैरह। यहाँ की ड्यूटी फ्री देख लो भाई, बहुत ही खूबसूरत ड्यूटी फ्री है यहाँ की, लेवल रेड लेवल।
अच्छी अच्छी दारू भी मिलती है, कॉस्मेटिक्स है। तो यार हम लोग जब घर से आते हैं ना यार इधर वापस रशिया, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप का मोमेंट हो जाता है। और क्या है, हम लोग जब रशिया से घर आ रहे थे ना, तब हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे घर आने के लिए। होता है यार, घर जाने की एक्साइटमेंट तो अलग ही होती है ना। आदित्य, मैं और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हम लोग जब आए थे 27 जुलाई को, काफ़ी एक्साइटमेंट थी। और अभी मैं लेट जा रहा हूँ यार, बाकी सब लोग जा चुके हैं, क्योंकि मेरे घर में अभी गणेश जी का कार्यक्रम था और मेरी बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं थोड़ा लेट जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम है यार अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, इससे पहले तो मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ही ट्रैवल वगैरह किया है। और ये पीछे मेरा बैग रखा हुआ है। गेट नंबर 15 से मेरी एंट्री है और मैं अभी गेट के तरफ ही जा रहा हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ फ्लाइट में एंट्री लेने के लिए। और बस अभी फ्लाइट में एंट्री लेते हैं यार, बैठते हैं, विंडो सीट ही है। अभी चलते हैं अंदर से और आपको दिखाता हूँ फिर कि किस तरफ पे मेरी सीट है। पहले ट्रैवल करने का मज़ा आ रहा है यार वैसे तो। ठीक है, नया एक्सपीरियंस, अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारे इंडियंस हैं यहाँ पे और रशियंस भी हैं। ऑफ कोर्स रशियन फ्लाइट है तो रशियंस तो होंगे ही। यार फ्लाइट में एंट्री लेने जा रहे हैं हम। बार का मील उतना खास नहीं मिला है, बट ठीक है, मुझे कुछ पनीर मिला है और ये ऑमलेट है और ये मैंगो वाला दही है और एक मिल्क वाली कॉफ़ी है और इसमें बटर और शायद जैम वगैरह रखा हुआ है। सो गाइस, वी आर फाइनल रीच इन मॉस्को एंड वी आर रेडी फॉर लैंडिंग मॉस्को सेरेमेटा एयरपोर्ट। ये थोड़ा बहुत दिख रहा है ऊपर से मॉस्को का व्यू, आई थिंक ये वोल्गा रिवर है, मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूं यार टर्मिनल की तरफ, बिकॉज मेरी जो है फ्लाइट जस्ट अभी एक घंटे में ही है, तो मुझे जाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ भाई, मेरे को निकलना पड़ेगा। ये रहा टर्मिनल सी और मुझे जाना है टर्मिनल बी में, लेकिन मैं हो चुका हूँ लेट। मेरी 10:50 की फ़्लाइट है और अभी बच चुके हैं 9:40। ये अपना मॉस्को के टाइम पे जा रहा हूँ यार जल्दी जल्दी। अभी मैंने टर्मिनल बी मतलब मेरी डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए मैंने अपना चेक इन वगैरह करवा लिया है और मुझे बोर्डिंग पास मिल गया। और अभी मैं जा रहा हूँ प्लेन में इंटर करने के लिए, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ यार, क्योंकि
बुक है, इसमें आधा घंटा ऑलमोस्ट लेट हो गया और यहाँ पे सिर्फ 1.5 घंटे का ही वेट करना था मुझे, बट ठीक है अभी चलते हैं। तो मैं अभी आ गया हूँ बोर्डिंग करने के लिए, मतलब प्लेन में एंटर करने के लिए, और यहाँ से मैं एंट्री लूँगा अपना बोर्डिंग पास दिखाकर। यहाँ सर हैं जो हमारा बोर्डिंग पास ले रहे हैं। तो यहाँ से मैंने अपनी करा ली बोर्डिंग और इस सामने पे बस उससे ये हमको प्लेन के पास लेके जाएगा। तो काफ़ी ठंड है यार यहाँ पे बाहर निकलती। मैं आ गया हूँ अभी जो इसकी फ्लाइट पे बोर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फ्लाइट खड़ी हुई यार एयरपोर्ट की, ये देख लो भयंकर सारी है। और ये रही जो इसकी फ्लाइट जिसमें मैं बोर्ड करने जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इसमें। साथ पे है तबिया सबूत मैक्स। मैक्स ये रशियन सोल्जर हैं जो कि रशियन मिलिट्री पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे काफी फ्रेंडली हैं। और इन्होंने मुझे अपना पावर बैंक दिया। दादा से है अभी यहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं इजवेस के लिए। बस यार फोन में बैटरी भी नहीं है तो इन्होंने पावर बैंक दिया है। और इतनी क्या फ्लाइट है रोसिया की, मतलब चार्जर का कोई सॉकेट भी नहीं दिया हुआ है। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी एयरपोर्ट, और अभी मैंने टैक्सी बुलाई है, टैक्सी आ रही, फिर टैक्सी से चलते हैं यार अपन हॉस्टल अपने वापस। तो यहीं से जर्नी स्टार्ट करी थी घर जाने की और यहीं पे आके ख़त्म हो गई है। तो अभी बस टैक्सी आती है और निकलते हैं यार यहाँ से और जाके फ्रेश व्रेश होते हैं फिर। तो गाइस मेरी टैक्सी आ गई है और मेरा सामान पीछे रखा है डिक्की में और एक बैग पीछे। ठंड बहुत तेज है भाई यहाँ पे, ड्राइवर साहब जो गाड़ी चला रहे हैं गाइज। मैं फाइनली अपने रूम पहुंच चुका हूं और ये रहा मेरा लगेज। लगेज अभी थोड़ा जमाऊंगा रूम में, काफ़ी थक गया हूं यार
और बस अभी बाकी जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं वो सब लोग अभी क्लास गए हुए हैं, वो लोग अभी आधे 1 घंटे में आते होंगे। इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं यार। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंडिया से रशिया आने का एक ट्रेवल एक्सपीरियंस देने की मैंने कोशिश करी। कुछ कुछ चीजें मैं नहीं दिखा पाया हूँ बिकॉज मैं अकेले ट्रेवल कर रहा था यार, इस वजह से थोड़ा सा हैक्टिक हो गया था। अगली बार कभी जाएंगे तो और अच्छे से मैं व्लॉग बनाने की कोशिश करूंगा ट्रैवल का। लेकिन जब मैं गया था तब उस टाइम मैंने काफी अच्छे से कोशिश करी थी कि आप लोगों को सारी चीजें दिखा सकूं। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत और जय श्री महाकाल।